हे बडीज, मैं हूँ आपका मेजबान कददान जीजी। खुशामदीद है आप सभी को हिटमैन के एक धमाकेदार एपिसोड में। ऑलराइट गाइस, तो लास्ट एपिसोड में हमने बहुत ही खतरनाक किस्म का वायरस तबाह किया था और उसके हैंडलर्स यानी कि उन दो गुंडों को भी मार डाला था जो वायरस बना रहे थे। और फिर हम वहाँ से खतरनाक किस्म का प्लेन लेकर भाग गए। और गाइस, पता नहीं आज क्या होने वाला है। चलो देखते हैं क्या क्या धमाकेदार हमारा इंतजार कर रहा है। ऑलराइट गाइस, एक हफ्ते बाद जोहान्सबर्ग में, यानी कि उस वायरस के तबाह होने के एक हफ्ते बाद, एक इलाके में मस्ट हैव बीन समवन एट द लैब। आई अंडरस्टैंड, आई गेट टू द बॉटम ऑफ दिस। ओके, तो ये शायद उस कंपनी का कोई एम्प्लॉय है। बॉस इज अनहैप्पी। I followed you from Italy. मैंने तुम्हें इटली से पीछा किया। आई गेस व्हेन यू आर इनविजिबल यू स्टॉप लुकिंग। You did this. Iago exposed you. ICA did the heavy lifting. I just pulled some strings. Oh, bhai. Yeah, your mind. You out of your mind. How do you expect? I play dirty. That's how you defeat a stronger opponent. Bhai, ye jo hai. Now give me the key. Chabi wabi mang raha hai kisi cheez ki. Shayad se ye kisi aur virus ki. चाबी मांग रहा है। यू हैव अ फैमिली, ट्रस्ट मी, इफ देयर इज अ वीकनेस प्रोविडेंस विल फाइंड इट। आई विल टेक माय चांसेस। द की, चाबी। भाई चाबी किस चीज की ले रहा है ये? फाइन भाई, हो सकता है ये किसी खतरनाक किस्म के एटम बम की हो। भाई, वॉन्ट यू डू यू मच गुड। इट्स फनी, कोबो सेड द सेम थिंग। भाई टपका देगा क्या? थैंक यू मैसेंजर, डोंट, आई जस्ट किल यू, देन वी आर इवन। अबे भाई, टपका दिया भाई। बताओ भाई, आज क्या होने वाला है भाई? पता नहीं इसके बाद क्या होगा। राइट गाइस, तो यहाँ पर इस वक्त मैं बैठा हुआ था किसी खतरनाक जगह पर, जहाँ पर भाई बहुत से लोग हैं और आई थिंक ये कोई डेजर्टेड एरिया लग रहा है, यानी कि दुबई वुबई की तरह लग रहा है ये इलाका भाई कुछ। या हो सकता है स्पेन का कोई ख़तरनाक सा इलाका हो। मराकिश लग रहा है शायद। डियाना बता रही थी, गोटा से सेटिंग अप हेडक्वार्टर एट द ओल्ड स्कूल, ब्रॉट बैक सम मेमोरीज। हाउ योर फादर डूइंग? वेल, थैंक्स फॉर आस्किंग। ही इज अपस्टेयर राइट नाउ वर्किंग ऑन दिस नावल ऑफ हिज, you know, airport lit. Oh, that's nice. So he doesn't miss the old school. Well, he was headmaster for 30 years. He still carries out the master key. You know, doesn't seem. Okay, भाई ये बता रहे हैं कि हेडक्वार्टर जो है वो लगा है बड़े स्कूल में, तो स्कूल की चाबी इसके डैड के पास है। हेडमास्टर की हमने चुरानी है यहाँ पे। ये भाई यहाँ पे लड़की के साथ लगा रहेगा, तो हम जो है ऊपर जाके इसकी चाबी ले लेते हैं। लेकिन इस चाबी का करेंगे क्या? हो सकता है भाई हमारे दो टारगेट है ना, तो इन दोनों को मारने में शायद काम आए। भाई ये तो चुराएं, खैर। ओके, हाउ डिड मरवान से दिस वर्क? इज इट रिकॉर्डिंग? यस यस, गुड। ओके भाई, तो ये भाई सुन रहा था किसी की बात और यहाँ पर मैंने चाबी उठा ली है और हेडमास्टर के कपड़े भी पहन लिए हैं। भाई चलो इसे खींच के इधर फेंक देते हैं। भाई सारा सोफा खून से भर गया है। भाई अजीब मजाक है ये। इस तरफ से कोई है यार? कोई रास्ता है दूसरा? भाई अब हमें स्कूल में जाना है, तो स्कूल में तो भाई पता नहीं क्या चल रहा है स्कूल में। आई थिंक हाँ, उन्होंने कहा है कि एक हेडक्वार्टर जो है ना वो स्कूल में बना हुआ है। किसका हेडक्वार्टर है भाई? अभी सिचुएशन कुछ समझ नहीं आ रही। मुझे लगता है वो वायरस फटे उसके बाद कोई पॉलिटिकल पार्टीज आपस में एकदम गुत्थम गुत्था हुई हैं, तो ये सब सिचुएशन बन चुकी है और यहाँ पर फौज वगैरह है वो जो है ना फुल टाइट हो गई है। तो लगता तो यही है, सीन तो यही लग रहा है भाई। यहाँ पे अभी अंदर आ रहा है, वो अंदर आ रहा है भाई। यहाँ पे सिक्का फेंकते हैं। आजा मुन्ना, आजा भाई, सिक्का ले ले, आजा। हाँ आजा यहीं पे। ओ भाई भाई, देख रहा था, देख ले। एक ही शॉट में निपटाया गया भाई। चलो भाई,
सिक्का उठा लेते हैं, इसको सामने ही डंप कर देते हैं। चलो जी, मस्त हो गया सीन भाई। अब गन वन मैंने अपनी जेब में छुपा लिया है और फाइबर वाली तार ले ली है मैंने, और आई थिंक इस तरफ जाना है, जाना तो यहीं पे है, स्कूल जाना है भाई हमें, स्कूल 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 जाना है। चलो ट्राई करते हैं भाई। ओ भाई कैसे कैसे लोग घूम रहे हैं, भैंस की टांग, इतने प्यारे प्यारे। बस अभी मैं मिशन पीऊँ तो मिशन में इस तरह का मूड बनना नहीं चाहिए। खैर स्कूल कहाँ पे है भाई, आई थिंक एक टारगेट स्कूल में ही है। हाँ भाई एक स्कूल में ही है और एक सामने की तरफ है। ये देखो भाई ये है, ये अरबियों का शहर है, डियाना मराकिश ही कह रही थी। हाँ मराकिश में आए हुए हैं भाई आज। भाई इस तरफ चलते हैं और यहाँ पे कुछ पड़े हुए हैं क्या, कुछ चीज़ें, स्क्रू ड्राइवर पड़ा हुआ है, हैमर पड़ा हुआ है और कॉइन है। यहाँ पे कॉइन फेंकें, अंदर आएगा कोई? अजय भाई अंदर आ जा भाई, अंदर आ जाना। हेलो इधर आ जा भाई। अबे नहीं आ जाओ, अबे कहाँ गया वो, आ रहे अंदर आ जा भाई, अंदर आ जा अंदर, आ जा शाबाश शाबाश आ जा भाई। अबे क्या सोच रहा है यार, नहीं आया अंदर भाई, छोड़ो। सिक्के उठा लेते हैं अपने, सिक्के ज़ाया हो गया भाई, एक सिक्का उसी के पास रह गया। चलो कोई बात नहीं, ध्यान से डिस्ट्रैक्ट करना चाहिए भाई मुझे, नेक्स्ट टाइम जो है ना थोड़ा सा देख कर करेंगे डिस्ट्रैक्ट। भाई यहाँ पे कुछ है क्या, ये क्या है, प्रिंटिंग शेड्यूल, पता नहीं भाई प्रिंटर से पता नहीं किसी को कैसे मारेंगे। खैर छोड़ो, ये यहाँ पे क्या है भाई, इसको डिस्ट्रैक्ट करूँगा, दो बंदे खड़े हुए हैं यार, शूट मारूँगा तो फंस जाऊँगा भाई। भाई देख रहा है देख रहा है, ठंडा हो जाए भाई, कोई नहीं मार रहा, मैं मारता तो अभी मार देता तुझे मैं, लेकिन फिर मिशन ख़राब हो जाता सारा। अब मुझे थोड़ा सा ढूंढ के ना किसी को निपटा कर उसकी बॉडी लेके और उसकी वर्दी चाहिए होगी मुझे। चलो भाई कोई ना कोई जुगाड़ लगाते हैं। और राइट गाइस, तो काफ़ी देर के बाद मुझे एक बंदे की जो है फॉर्मेशन पता चल चुकी है, और गाइस मैं उसे यहाँ पर बुला कर निपटा कर उसकी जो वर्दी वगैरह है ना वो लेने वाला हूँ भाई, ताकि मैं स्कूल में घुस चुकूँ। ये आदमी यहाँ पे आएगा, हाँ बता दे उसे, बता दे भैंस की टांग दोनों हैं तो एक साथ ही, मगर अबे एक मिनट, ये एक दो तीन, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मस्त शूट पे गया भाई। यहाँ पे सिक्का उठा लेते हैं, इसकी बॉडी को पहले निपटाते हैं, वरना भाई ये देख लेंगे, रैग करते हैं इसे। चलो भाई चलो डंप करते हैं, ये हुई ना बात। और यहाँ पे गन वगैरह भी ले लिया मैंने, तो चलो भाई अब सीन चिल है, अब हमें स्कूल में घुसना है। स्कूल में जो मेन आदमी है ना बस वो हमें पहचान सकता है और कोई नहीं पहचान सकता। चलो चलो भाई नीचे रख देते हैं, ये बंदा हमसे कह रहा था भाई ये गन जो है साइड पे करो। हाँ डरो मत, गन से नहीं मारूंगा आज, स्टेल्थ का मूड है फुल। लास्ट मिशन भी भाई कुछ अच्छा नहीं गया भाई, एकदम शोर वगैरह मच गया था और उसके बाद बहुत ही बुरे सीन चल रहे थे। तो अभी भाई स्टेल्थ गन ले लिया मैंने, ताकि अगर कोई इधर उधर होता भी है। ओ ये बढ़िया भाई, ये तो सही है, मुझे हेडमास्टर की मिल गई भाई। ऐसे नहीं पता चलेगा क्या? नहीं नहीं, यू आर इन गुड वर्क 47, नाउ लोकेट जनरल जिडान। जनरल जिडान एक आदमी है और एक कोई और है भाई, एक जनरल है जिसे हमें मारना है। लगता है भाई ये फौजियों का जनरल है जो वायरस के फैलने पर कठपुतलियों की तरह काम कर रहा है भाई। उस बंदे को प्रोटेक्शन मिल रही है जिस कंपनी का शायद से वायरस आना, वही सीन है। तो यहाँ से कोई ऊपर जाने का सीन नहीं है, और यहाँ से अंदर घुसते हैं भाई, ये देख सकते हैं हमें, लेकिन
यहाँ से कैसे कहाँ जाना है भाई, अंदर ही घुसना पड़ेगा। चलो भाई चलो भाई चलो, मैं तो किसी ने मुझे देखा ही नहीं है। चलो भाई, he graduated from West Point, la-di-da-da, flying colors and all. चलो भाई भाई भाई, बस जा रहा हूँ मैं एकदम बढ़िया। गन को छुपा के रखते हैं वरना ये जो है ना भाई, ज़िडान सामने खड़ा हुआ है, वो सामने खड़ा हुआ है ज़िडान। चलो छुपते हैं भाई, इसी साइड पे छुपना चाहिए मुझे, यहाँ पे नहीं। अब भाई पीछे से देख लिया, कहता है क्या कर रहा है यहाँ पे। कुछ नहीं कर रहा भाई, कुछ नहीं कर रहा भाई, सीरियसली कुछ नहीं कर रहा। चलो यहाँ से वो ज़िडान अभी इधर ही घूम रहा है। ये क्या सीन है भाई, यहाँ पे कुछ है क्या भाई? ये तो ख़तरनाक किस्म के शीशे वगैरह है, शीशे के अंदर से शूट जाता है क्या? ये क्या पड़ा हुआ है? टॉयलेट है, टॉयलेट नीचे फेंकते हैं भाई, डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होगी। आई हेयर यू ब्रदर। भाई ये बाहर की तरफ क्या है, खिड़की खुली हुई है, हो सकता है यहाँ पे कुछ काम का हो। जंप, ओ भाई मस्त, क्या बात है भाई, ये हुई ना बात भाई। इस तरह तो मस्त टपका दूंगा मैं, टपका दूंगा इजी होके भाई, पता भी नहीं चलेगा इन लोगों को। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बस जनरल का, वरना मस्त एकदम टपका दूंगा इसे मैं। ऑलराइट गाइस, तो वेट करते करते काफ़ी टाइम हो गया है, तो यहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ है। मैं इसे मारने की सोच रहा हूँ, लेकिन फिर सोच रहा हूँ कि यार अगर मैं इसे मार दूँ तो जनरल ज़िडान जो है वो पागलों की तरह इधर उधर भागने लग जाएगा, तो जनरल को ही मारेंगे भाई। जनरल आ चुका है, काफ़ी पास है, बस थोड़ा सा इधर उधर हो ना, उसके बाद यहाँ से इसे निपटा दूंगा मैं। भाई इस तरफ तो नहीं आएगा, ये शॉर्ट कॉर्नर हो जाएगा। एक मिनट, आ तो रहा है भाई। भाई नहीं नहीं, एक मिनट, इस तरफ से ये रहा जनरल। चलो जनरल बाय बाय, ये चलो भाई, ये तो मर गया। अभी हम नीचे चलते हैं। ए भाई इस तरफ से चले, नहीं भाई नहीं, ये तो यहाँ से तो देख लेंगे मुझे। भाई यहाँ पे कुछ पड़ा हुआ है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, यहाँ टॉयलेट पड़ा हुआ। भाई बंदा यहाँ से जंप ही नहीं मार सकता मैं, छिट्टो मुझे लगा यहाँ से। अबे अबे टॉयलेट में कहाँ घुस रहा हूँ भाई, बाहर निकला तो ये देख लेंगे मुझे, देख लेंगे एक ही झटके में देख लेंगे। एक मिनट, हो सकता है यहाँ से मैं नीचे उतर जाऊँ भाई। बैक पे जंप लगा सकता हूँ मैं भाई, कोई इधर विंडो की तरफ नहीं देख रहा, लेकिन सभी एक्टिव हो चुके हैं क्योंकि भाई मेन टारगेट। ओ ये देखो मस्त भाई, भाई उतर गए उतर गए। मुझे शक हो रहा था कि नहीं उतर पाएंगे, लेकिन भाई ट्राई किया तो हो गया ये। अभी चलते हैं दूसरे टारगेट के पास। एक मिनट, बड़ी गन। हाँ भाई, हर तरफ हरियाली है, मेरा मतलब हर तरफ अब अलार्म बज चुके हैं, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है। मैं भी इन्हीं की तरह प्रिटेंड कर रहा हूँ कि भाई कुछ ना कुछ बुरा हुआ है भाई। किसी पे एम नहीं कर देना वरना भैंस की टांग काम ख़राब हो जाएगा। चलो चलो चलो, ये ऐसे होते हैं एजेंट्स, देखो ऐसे होते हैं ख़तरनाक किस्म के एजेंट्स। चलो बेटा, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ ये मस्त ड्यूटी कर रहा है भाई, वैसे का वैसे जैसे छोड़ के गए थे वैसे ही खड़ा हुआ है। चलो भाई, अब हम जाने वाले हैं दूसरे के पास, जो कि एक ख़तरनाक किस्म का पॉलिटिशियन होने वाला है भाई। पॉलिटिक्स में इसका बड़ा जहन चलता है लगता है। हाँ भाई, क्या हो गया, ऐसे क्या देख रहा है पता नहीं। खैर छोड़ो, अब इस तरफ चलते हैं। ये देखो भाई, ये वायरस फैला है ना, उसकी वजह से लोगों को भी कुछ तकलीफ़ हुई है। मेरा मतलब वो जो कंपनी थी ना, उसने कुछ लोगों को हायर किया है, और लोग भी इन्फ्लुएंस में आते हुए ना भाई, करप्टेड शरप्टेड होते हुए भाई, ये लोग यहाँ पे खड़े हो गए हैं। कुछ करप्टेड हैं और कुछ लोग वैसे हक के लिए आए हुए हैं अपने, तो हम भाई इन सब को बजा कर हक वाले यानी कि जस्टिस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं भाई। जीज कम ऑन, लेट्स प्लीड बिफोर एनीवन सी है, वेल जस्ट टेल माय फादर इन लॉ द प्रोटेस्टर्स डिड इट। भाई पता नहीं इन दोनों के बीच में क्या बातें चल रही थी, लेकिन अगर मैं यहाँ पे जंप मारता तो हो सकता था भाई। ये देखो, मुझे शक था, ये गए
और मैं आ गया हूँ अंदर। हाँ भाई, किसी को पता चला? नहीं भाई, किसी को नहीं पता चला। चलो, हाँ भाई भाई, अब कोई हमें देख पाएगा क्या? हाँ भाई, ये सामने वाला एक बंदा खड़ा हुआ है, ये देख लेगा। तो मुझे गार्ड के कपड़े चाहिए होंगे। डोंट मेंशन इट, नोबडी वाज डिप्लोमेटिक क्राइसिस ऑफ कोर्स इफ दिस थिंग रियली गो। पता नहीं भाई कौन कौन आपस में लगे रहते हैं नीचे से, हर वक्त यहाँ पे वो आने लग जाता है सब टाइटल्स। तो ये बंदा जो है ना, ये हमसे मरने वाला था। पता नहीं कैंची के साथ क्या कर रहा था। खैर, ये मर चुका है। हम इसकी जो बॉडी है उसको पता नहीं कहाँ छुपाएंगे। खैर, मैंने कपड़े पहन लिए, बॉडी भी साथ ही डंप। हाँ, ये है बड़ा, है बड़ा, है बड़ा भाई। वार्डरोब में छुपा दी है बॉडी। और अभी हम, अबे इतनी बड़ी गन हमारे पास क्या कर रही है? ये गन गिरानी पड़ेगी। हाँ चलो भाई, अब लग रहे हैं ना बॉडीगार्ड। ये छोटी गन ले लेते हैं। चलो चलो जी, चलो भाई, आ गया है बॉडीगार्ड, आ गया है भाई। ये बंदा अब हमें देख सकता है क्योंकि इसने शायद हमें पहले देखा है, तो इसलिए। लेकिन भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब मैं जाऊंगा और सीधा जाके उसको मारूंगा। चलो भाई, मैंने सप्रेसर गन सेलेक्ट कर लिया। भाई इस पूरी बिल्डिंग में कोई हमें नहीं जानता, ना ही कोई हमें पहचान सकता है। नहीं भाई, पहचान सकते हैं, सामने दो बंदे खड़े हुए हैं। एक टॉप बिल्डिंग में घूम रहे हैं, एक इधर घूम रहे हैं। भैंस की टांग, मुझे लगा मैं इजीली जाके इसको मार दूंगा, लेकिन भाई हो सकता है कि मैं अभी अचीव कर लूं। भाई यहाँ से तो नहीं जा सकता ना, ये बंदा अगर देख लिया ना इसने मुझे, ये तो मुझे पकड़ ही लेगा फौरन। तो दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा। मसाज एक्सपर्ट करोनी एक्सट्रोम रिपोर्ट एट द रिसेप्शन डेस्क। भाई देखो, ऑफिस की भी वार्ड लगी पड़ी है। तो कहाँ पे है ये पॉलिटिशियन जिसको इतनी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा रही है, कहाँ पे है ये? ये बंदा भाई मस्त है भाई, हेलो हाय कर रहा है। लेकिन इसे क्या पता हम हैं एजेंट 47, द वन हु किल्स एवरीवन। ये बंदा देख सकता है हमें, तो इसे मारना पड़ेगा। चल मुन्ना, तू सो जा यार, सो जा, छोड़। इसे ड्रैग करके ना कहीं छुपा देते हैं, यहीं पे छुपा देते हैं। कोई आवा तो नहीं रहा ना इस तरफ है कोई? और कमरा खोल लेते हैं, हो सकता है यहाँ पे कुछ हो छुपाने के लिए। भाई कुछ नहीं है भाई, है भाई, है डंप करने के लिए है, शुक्र है। चलो भाई, अब मस्त है, अब मतलब सेकंड फ्लोर पे कोई नहीं ऐसा जो मुझे पहचान सके। तो देखते हैं भाई ये गुंडे कहाँ घूम रहे हैं, ये जो मेन गुंडा है ना पॉलिटिशियन, ये कहाँ घूम रहा है? हाँ भाई, ये सब लोग नीचे खड़े हुए हैं, गुंडा कहाँ है भाई? वो रहा गुंडा, ये लोग तो हमें नहीं देख सकते ना। हाँ वो रहा गुंडा भाई मेरे सामने, ये कहीं जा रहा है। चलो इसका पीछा करते हैं, ये इसका मेन बॉडीगार्ड, ये शिफ्ट हो रहा है। और बॉडीगार्ड नहीं था भाई, वो क्लीनर था, मुझे लगा बॉडीगार्ड है। रेड पॉइजन थी, मगर यहाँ पे कुछ है तो नहीं, कोई नहीं है भाई। वाजिवा सीक्रेट मीटिंग चल रही है, चलो भाई से निपटाते हैं। चल भाई, ऊपर पहुँचने को तैयार। चल मुन्ना, तुझे भी मरना पड़ेगा, तू भी क्राइम पार्टनर है ना। चलो जी, कोर्ट यार्ड मैम क्लब मेंबरशिप कार्ड, छोड़ो भाई, अब मुझे यहाँ से निकलना है बस। ये मर गया है, वो भी मर गया है, इनको भाई कहीं छुपा भी नहीं सकते यार। इस कमरे में कुछ भी नहीं है, छोड़ो यार, मैं कहता हूँ निकलते हैं यहाँ से। हाँ चलो, बस अब मुझे भागना है। तो भागना तो वैसे मैं माहिर हूँ, बस एग्जिट करना है मुझे। चलो बताओ बताओ भाई, कैसा मिशन गया तुम्हारे भाई ने, एकदम फाड़ दिया सभी को। चलो 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 भाई, कोई हमें पहचान पा रहा है? कोई नहीं भाई, इन्हें बॉडी भी नहीं मिलेगी, मुश्किल है। हो सकता है उसका कोई पर्सनल बॉडी गार्ड जो है ना वो जाके देख ले, मगर बॉडी मिलना भी मुश्किल है भाई। ये हुई ना बात, देखो भाई, एजेंट 47, द लेजेंड, द मिथ,
अपना काम करके निकलते हुए। भाई अब मैं उसी तरफ से जाऊं या नहीं? ऐसा करते हैं हम जो है ना कपड़े चेंज कर लेते हैं और उसके बाद निकल जाएंगे बाहर। मिल गई है बॉडी, बॉडी मिल गई है भाई, हर कोई ढूंढ रहा है अब उसे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने यहाँ पे कपड़े चेंज कर लिए हैं और लेट्स गो बेबी, लेट्स गो। हाँ भाई कैसे हो भाई, अब तुम मुझे भी पहचान नहीं पाओगे। ये हुई ना बात, ये देखो भाई, कम आउट एंड फेस द म्यूजिक। ओ भाई टेंशन ना लो, जस्टिस मांगने वालों जस्टिस तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हें अभी न्यूज़ पता चल जाएगी कि मिस्टर स्टैनबर्ग ऊपर पहुंच चुके हैं और वो कर्नल जिसने तुम्हें फंसाया हुआ है यहाँ पे वो भी ऊपर पहुंच चुके हैं। भाई टेंशन नहीं लेनी भाई, साइड हो जाओ यार, तुम सब लोग साइड हो जाओ एक मिनट, इतना रश लगा हुआ है भाई यहाँ पे। लोग अपनी दुकानों पे ऐसे बैठे हुए हैं कि भाई ये दे दो वो दे दो। ये देखो भाई, चलो भाई चलो चलो चलो। और ये एग्जिट कहाँ पे है वैसे, भैंस की टांग, इतना सीक्रेट एग्जिट होता तो नहीं है, लेकिन इस बार कुछ खतरनाक मिशन था इसलिए। भाई पहले आने का भी नहीं बताया और अब जाने का भी कोई खतरनाक रास्ता है। अबे ओ शराबन, यहाँ क्या देख रही है? ओ ये व्हाट इज, आई थिंक आज के हमारे एपिसोड के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।